एक और जहां पूरी दुनिया कोरोना वायरस से जूझ रही है, वहीं अमेरिका से एक अच्छी खबर भी सामने आई है। अमेरिका ने 9 साल बाद इतिहास रचते हुए अंतरिक्ष में बड़ी कामयाबी हासिल की है। अमेरिकी निजी कंपनी स्पेसएक्स का अंतरिक्ष यान द क्रू ड्रैगन नासा के 2 अंतरिक्ष यात्रियों को लेकर मिशन पर रवाना हो गया है। अंतरिक्ष के इतिहास में ऐसा पहली बार है जब किसी निजी कंपनी का स्पेसक्राफ्ट अंतरिक्ष यात्रियों को लेकर ऑर्बिट में जा रहा है। नासा के एस्ट्रोनॉट कॉर्प्स के सबसे ज्यादा अनुभवी लोग रॉबर्ट बेनकिन और डगलस हर्ले अंतर्राष्ट्रीय स्पेस स्टेशन के लिए रवाना हुए हैं। ये दोनों ही स्पेस शटल के जरिए 2-2 बार अंतरिक्ष में जा चुके हैं। दोनों एस्ट्रोनॉट इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर 110 दिन तक रहेंगे। स्पेसएक्स ड्रैगन कैप्सूल एक बार में 210 दिनों तक अंतरिक्ष में समय बिता सकता है। उसके बाद उसे रिपेयरिंग के लिए धरती पर वापस आना होगा। इस मिशन को अमेरिका के फ्लोरिडा स्थित केनेडी स्पेस सेंटर से लॉन्च किया गया है। ये पहली बार हुआ है कि कोई निजी अंतरिक्ष यान के जरिए अंतरिक्ष यात्रियों को इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के लिए रवाना किया गया है। अमेरिकी समय के मुताबिक 3:22 पर रॉकेट को लॉन्च किया गया। दोनों एस्ट्रोनॉट सभी तैयारियों के साथ स्पेसएक्स रॉकेट में सवार हुए। काउंटडाउन खत्म होने के साथ ही यान अंतरिक्ष की ओर उड़ चला। इससे पहले बुधवार को खराब मौसम की वजह से लॉन्चिंग को तय समय से 16 मिनट पहले टालना पड़ा था। इस ऐतिहासिक पल के गवाह अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भी बने। राष्ट्रपति ट्रंप लॉन्चिंग देखने फ्लोरिडा स्थित केनेडी स्पेस सेंटर पहुंचे थे। बुधवार को जब पहली बार कोशिश की गई थी, तब भी राष्ट्रपति ट्रंप वहां मौजूद थे। बता दें कि स्पेसएक्स अमेरिकी उद्योगपति एलन मस्क की कंपनी है। ये नासा के साथ मिलकर भविष्य के लिए भी कई अंतरिक्ष मिशनों पर काम कर रही है। अमेरिका के इतिहास में नासा ने मंगल मिशन समेत कई अहम कीर्तिमान जॉन एफ केनेडी स्पेस सेंटर से अपने नाम किए हैं, लेकिन 2011 के बाद से इस पर ब्रेक लग गया था। अमेरिकी एस्ट्रोनॉट रूस की मदद से स्पेस में जाते रहे हैं। अब नासा वापस अमेरिका की मिट्टी से अपने एस्ट्रोनॉट को अपने देश के रॉकेट में बिठाकर स्पेस में भेज रहा है। इस मिशन पर पूरी दुनिया की निगाहें टिकी थी। जेएफ केनेडी स्पेस सेंटर की इस लॉन्च साइट से नासा ने कई महत्वाकांक्षी मिशन लॉन्च किए हैं। चांद पर जाने वाला अपोलो, मंगल पर जाने वाला मरीनर और भारतीय मूल की एस्ट्रोनॉट कल्पना चावला को ले जाने वाला शटल कोलंबिया भी यहीं से लॉन्च हुआ था। 2011 के बाद से यहां से कोई लॉन्चिंग नहीं हुई थी और अमेरिका के एस्ट्रोनॉट रूस के सोयूज रॉकेट से स्पेस में जाते रहे हैं। किसी प्राइवेट कंपनी के रॉकेट से स्पेस जाने का भी ये पहला मौका है। इस मिशन के जरिए नासा ने ये संदेश दिया है कि बड़ी से बड़ी महामारी मानव के जज्बे और हौसले को नहीं तोड़ सकती है। HS News के लिए सौभाग्य गुप्ता की रिपोर्ट। देश और दुनिया से जुड़ी सभी प्रमुख खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट वीडियो पाने के लिए बेल आइकन को जरूर दबाएं। साथ ही हमारे वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें।